4x³ + 6x² + 4। ये एक व्यंजक है, इसमें x का मान दिया हुआ है -2। ठीक, हमें मान निकालना है इसका 4x³ + 6x² + 4 का। तो x बराबर -2 रखते हैं, 4x की जगह -2 है तो -2 रख दिया गया। इसकी पावर 3 है, पावर 3 कर दिया गया, प्लस है प्लस लगा दिए 6, फिर x आ गया तो x का मान -2 है, -2 रखा गया। पावर 2 है, पावर 2 कर दिया, प्लस 4। ठीक, अब इसे हल कर देते हैं। 4, ये -2 की पावर 3 है तो ये 3 बार हो जाएगा, -2 × -2 × -2 ना, और प्लस है हम प्लस लगा दिए, 6 है, 6 हो गया, -2 की पावर 2 है तो 2 बार हो जाएगा गुणे में, -2 − 2 प्लस 4। ठीक, अब ये देखो, ये 4 पहले से ही है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस आ जाएगा बाहर, 2 × 4, 4 × 8 गुड़े 8। ठीक है, प्लस कर दो, जो समझ में ना आए उसको बोल दिया करो। ये 6 है, 6 रखो, बाकी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2 × 4। ठीक है, और प्लस 4, ये हो गया। अब इनको हल कर दो, 8 × 4 = 32 हो गया। ठीक, माइनस था माइनस रहने दो, 6 × 4 = 24। ठीक, प्लस 4, अब क्या करेंगे, प्लस वाले को पहले लिखेंगे। ठीक, तो 24 + 4, ठीक, -32 कितना हो जाएगा, 24 × 4 = 28 − 32 घटा दो कितना हो जाएगा, -4। क्यों -4 होगा, क्योंकि हमेशा बड़े का निशान लगता है। तो इस व्यंजक का मान क्या आ गया, -4। ठीक,